गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम मैथ्स के अंदर नई प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पांच ही प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है, आज हम नई प्रश्नावली लेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और उस प्रश्नावली की संख्या नंबर है 9। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, बोर्ड में इसका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता है। तो आज हम शुरू करेंगे न्यू प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। क्या शुरू करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। देखो, तो आज नया हम टॉपिक शुरू करेंगे, 9वीं यूनिट। निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, क्या है इसको हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति ये हम आज शुरू करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर इससे पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा, इजी है और बड़ा आसान तरीके से इसके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिक चीजें क्या क्या है ध्यान रखना कि अब हम जब ग्राफ देखते हैं, हम जब ग्राफ बनाते हैं यानी किसी बिंदु को हमें निर्देशांक करने के लिए या निर्देशित करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके दो मान चाहिए, एक एक्स का मान चाहिए, एक वाई का मान चाहिए। किसी भी बिंदु को हमें ग्राफ के अंदर जब हम उसे कहीं पर दर्शाते हैं तो उसके लिए हम दो मान चाहिए, एक एक्स की वैल्यू चाहिए, एक हमें वाई की वैल्यू चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें जब ग्राफ में मैं दर्शाऊं तो सबसे पहले मैं ग्राफ से दर्शाऊं तो ये एक्स है, ये ओ और ये एक्स डैश, ये वाई एक्स ओ और वाई डैश, इसके मान को ठीक है ध्यान रखना। इधर वाला जो मान है ये सारे किसमें होते हैं? प्लस में, 1, 2, 3, 4 और 5 और आगे बढ़ते जाते हैं। इधर वाले मान है वो किसमें होते हैं? माइनस में, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ऊपर वाले मान जो होते हैं वो y के जो होते हैं वो भी किसमें होते हैं? प्लस में। तो क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे बढ़ते जाते हैं। इधर वाले मान भी मैं लिखूँ तो ये माइनस में -1, -2, -3, -4 और -5 तो ये वाले मान हैं। तो हम ग्राफ में किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो उसके लिए हमें दो मान चाहिए, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। अब देखो, इसको हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश। और इसको हम कहते हैं थर्ड चतुर्थांश। और इसको हम कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। आई बात समझ में यहां तक? अब चलो, अब ध्यान देना, इसमें दोनों जो मान है फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर देखो x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस, तो इसमें कौन से मान आएंगे? जो प्लस प्लस वाले मान है वो इसमें आएंगे। आई बात समझ में? इसमें x की वैल्यू किसमें है? माइनस में। y की वैल्यू किसमें है? प्लस में। तो माइनस और प्लस वाली वैल्यू इसमें आएगी। इसमें x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस, तो दोनों जो माइनस माइनस की जो वैल्यू है वो इसमें आएगी। इसमें x का मान प्लस, y का मान माइनस है, तो प्लस और माइनस वाली वैल्यू इसमें आएगी। आई बात सुन में? तो कोई भी हम बिंदु जब दर्शाएंगे तो उसके अंदर कौन से चतुर्थांश में वो आ सकता है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो फर्स्ट में आएगा दोनों प्लस प्लस वाली वैल्यू आएगी,
अगर सेकंड सुदुंतास में आते तो पहला मान माइनस में, दूसरा मान प्लस में होता तो वो सेकंड में आएगा। थर्ड में कौन आएगा? दोनों माइनस माइनस वाले मान आएंगे। और फोर्थ में कौन आएगा? जो प्लस और माइनस वाला मान आएगा वो किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट यानी फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। चलो अब हम कुछ चीज़ें बेसिक इसकी बातें करते हैं, उनको लिखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान देना है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो ध्यान रखना एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्स। क्या कहते हैं? एक्स एक्स। तो क्या लिखूंगा? एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एक्स अक्ष कहलाता है। एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये कैसा अक्ष होता है? क्षैतिज अक्ष है। कैसा अक्ष है? क्षैतिज। तो इसके नीचे ही कोष्टक में आप लिख दो कौन सा अक्ष है? क्षैतिज। क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब इस तरीके से धरातल के समांतर। फिर दूसरी बात हम करते हैं तो वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश इसको हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये कैसा है? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसको हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर जो है इस अक्ष को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ध्यान रखना, या लंबवत हम किसको कह सकते हैं? लंबवत कह सकते हैं, इसको क्षैतिज अक्ष कह सकते हैं। ध्यान रखना ये प्रति। तीसरी बात मैं लिखाऊं तो अब ध्यान रखना कि जो एक्स अक्ष के जो मान है, इस एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष के जो निर्देशांक है उसको हम क्या कहते हैं? कोटि। अगर आपके x का कोई मान पूछे कि क्या है, x का निर्देशांक है उसका नाम हम क्या कहें? इसके x के जो भी निर्देशांक है उस x के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज। और y के निर्देशांक का नाम क्या है? कोटि। तो x के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? x के निर्देशांक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? भुज कहलाते हैं। और चौथा पॉइंट लिखे तो क्या लिखेंगे? y के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। x के निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y के निर्देशांक को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट हम लिखे हैं तो ध्यान रखना, पांचवी अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु की वैल्यू क्या होती है? मूल बिंदु का मान, एक्स का मान भी जीरो होता है और वाई का मान भी जीरो होता है। तो ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु में देखो इधर एक्स का मान भी जीरो होगा और वाई का मान भी क्या होगा? जीरो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? जीरो जीरो। जीरो जीरो का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू भी जीरो और y की वैल्यू भी जीरो। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू भी जीरो और y की वैल्यू भी जीरो। जो भी पहला जो बिंदु होता है उसमें x भी जीरो होता है और y जीरो होता है। तो क्या हुआ? देखो इस x ओ x डैश को हम क्या कहते हैं? x अक्ष, ये क्षैतिज होता है। और y ओ y डैश को, इस y ओ y डैश को ऊर्ध्वाधर अक्ष या y अक्ष कहते हैं। x के निर्देशांक का नाम भुज है और y के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाते हैं? जीरो जीरो कहलाते हैं। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं, पॉइंट पाँच हो गए, अब हम लेते हैं छठा पॉइंट। छठे पॉइंट की बात करते हैं, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, कौन सा बिंदु x अक्ष पर होगा? x अक्ष पर निर्देशांक, x अक्ष इसी लाइन पर अगर कोई निर्देशांक है तो x अक्ष पर स्थित निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित निर्देशांक क्या होगा? देखो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित इस लाइन पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? उसके निर्देशांक x का मान तो x होगा और y का मान जीरो होगा। x का मान तो x होगा, x का मतलब x का मान एक दो तीन चार ऐसा हो सकता है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर कोई बिंदु इस x अक्ष पर स्थित है
तो उसके x का मान तो x होगा और y का मान 0 होगा। ध्यान रखना, जैसे भाई मैं x अक्ष पर कोई भी वैल्यू लिख लूँ, 2 लिख दूँ, तो मैं यहाँ पॉइंट करूँगा कि मान मेरे पास ये 2 और 0 को दर्शाओ, 2 और 0 को दर्शाओ। सपोज मुझे ये कहा गया कि 2 और 0 को दर्शाओ, तो मैं कहाँ पॉइंट करूँगा, यहीं तो करूँगा। इसका मतलब ये कहाँ पर स्थित है, ये एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसके वाई का मान क्या है, 0 है, और एक्स का मान कितना है, 2 है। तो कोई भी अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके एक्स का मान तो एक्स होगा और वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। चलो सातवां पॉइंट की बात करें, इसका उल्टा, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, अगर कोई y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे बताओ, x का मान तो 0 और y का मान y। यानी अगर y अक्ष इस वाली लाइन पे अगर कोई बिंदु है तो उसके लिए y का मान तो y होगा, y का मान कोई भी हो सकता है इसमें से, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं, आठवां पॉइंट की बात करते हैं। तो आठवें पॉइंट की मैं बात करूं तो अब ध्यान रखना कि x अक्ष से किसी बिंदु की, कोई भी बिंदु है, और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी का मतलब क्या है, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, किसी बिंदु कि x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी है, इसका मतलब किसका निर्देशांक, y का निर्देशांक, किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी का मतलब किसका निर्देशांक, y का निर्देशांक, और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी का मतलब किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बराबर मतलब x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी है इसका मतलब x का निर्देशांक, और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी है मतलब y का निर्देशांक। तो ये कुछ बातें थी, 9 बातें जो मैंने आपको की है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें। तो ये आपको एक तो बनाना है, फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस, सेकंड चतुर्थांश में माइनस प्लस, थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस, फोर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें दो मान की आवश्यकता होती है, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू। हमेशा कोई भी दो मान हमारे पास होते हैं, कोई भी दो मान होते हैं कि इस बिंदु को हमें मान लिया ए बिंदु, इसको आपको ग्राफ में दर्शाना है, तो ये आपके पास x की वैल्यू है और ये आपके पास y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, y की। ये आपके पास x की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो किसी भी बिंदु को ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमें दो वैल्यू की आवश्यकता होती है, एक x का मान और एक y का मान। तो ये आपके पास x की वैल्यू है और ये आपके पास y की वैल्यू है। अब आप इसको ग्राफ में दर्शा सकते हैं, इन किन बातों का ध्यान रखना है। तो x और x डैश को हम क्षैतिज अक्ष या x अक्ष कहते हैं, y और y डैश को हम ऊर्ध्वाधर अक्ष या कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। x अक्ष के निर्देशांक का नाम क्या है, भुज। यानी इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें भुज क्या है, तो भुज कितना है, 2 है, ये भुज है, ये क्या है, भुज। और मैं कहूं कोटि है, तो कोटि कितनी है, 3 है। मैं कहूंगा इसमें कोटि क्या है, तो कोटि कितनी है, 3 है, क्योंकि y अक्ष के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं और x अक्ष के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो कोई आपको पूछे कि भुज कितना है, तो 2, और कोटि कितनी है, तो 3। आई बात समझ, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0 0। मूल बिंदु यहाँ पर होता है, तो इस मूल बिंदु के x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, क्योंकि पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु निर्देशांक, इस लाइन पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके x का मान तो x होगा। x के मान के x का मतलब क्या है कि 0 से लगा के माइनस वाली संख्या भी हो सकती है, प्लस वाली कोई भी होगी, लेकिन y का मान तो हमेशा 0 ही होगा। लेकिन y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके लिए y का मान तो y होगा, यानी y का मान तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन x का मान हमेशा 0 होगा। फिर मैंने क्या, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, मान लिया जैसे मैंने आपको कहा कि 2 और 4,
इसमें मैंने कहा कि x अक्ष से दूरी बताइए, किससे बताइए, x अक्ष से दूरी, तो आपका मान किसका मान होगा, y का मान, x अक्ष से दूरी मैंने क्या कहा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी का मतलब किसका निर्देशांक, y का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। और मैं अगर ये कहूँ कि किसी बिंदु की, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी बताओ, तो आप क्या कहोगे कि y अक्ष से दूरी तो सर कितनी है, 2 है। ये पहले बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते थे कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी बताओ, तो y का निर्देशांक बोलना है और y का माइनस प्लस छोड़ देना है इसमें, और y से दूरी बताओ तो x का निर्देशांक बोलना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड के अंदर पहले फिक्स क्वेश्चंस थे, 4 साल तक ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए और x अक्ष और y अक्ष से दूरी बताइए, बार बार सवाल में पूछते थे, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस की, इन बातों को आप अपने कॉपी के अंदर नोट कर लें, अच्छी तरीके से इनको कॉपी में नोट कर लें, और फिर इनको वन बाई वन हमें जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ वहाँ हम इनका यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, जहाँ जहाँ यूज होगी वहाँ वहाँ करेंगे इसको, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट पार्ट में, चलो अब मैं इसको नहीं, ग्राफ को नहीं मिटा रहा हूँ, इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फिर हम इसकी बात करेंगे। देखो क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्या कहूँ, ये कहूँ मैं आपको, जैसे पहला क्वेश्चन देता हूँ कि 2 और 3 बिंदु 2 और 3 किस चतुर्थांश में आएंगे, बिंदु 2 और 3 किस चतुर्थांश में आएंगे, तो बताओ 2 किस में है, प्लस में, 3 किस में है, प्लस में, दोनों प्लस प्लस वाले हैं, तो किससे चतुर्थांश में आएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में, तो आपका आंसर क्या होगा सर, फर्स्ट चतुर्थांश में ये आएंगे, कौन से आएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में, तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। अब मैं बात करूं, मैं आपको कहा कि -2, -3 और 4 है, तो सीधे आप जाओगे -3 और 4 है, तो माइनस की वैल्यू तो इसमें आती है ये, और प्लस इधर में, तो देखो एक तो पहला मान तो माइनस में है, तो पहला मान माइनस में तो ये रहा, दूसरा मान प्लस में है, प्लस में, तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा, ये आ जाएगा सेकंड चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। फिर मैं आपसे बात करूं कि माइनस प्लस के 5 और माइनस के 2 किस चतुर्थांश में आएंगे, तो सीधे देखो x की वैल्यू सबसे पहले प्लस में, y का मान किस में, माइनस में, यानी पहला मान x का, दूसरा मान माइनस का, बताओ कौन सा चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आएगा, कौन सा चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं अपन को, तो ये भी ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। चलो अब चलते हम आगे, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हुई जिनको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे और अच्छी तरीके से इनको याद रखोगे, ध्यान रखना। अब हम प्रश्नावली से रिलेटेड बात करते हैं, सबसे पहले हमें प्रश्नावली में जो फॉर्मूलाज आएगा, पहला फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा उसकी बात मैं करता हूँ। तो देखो सबसे पहले आएगा दूरी सूत्र, क्या आएगा, दूरी सूत्र, ये बात सबसे पहले की जाएगी। दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी, तो उसका फॉर्मूला हम दूरी सूत्र से पता करेंगे। कोई भी दो बिंदु हमारे पास है, मान लिया ग्राफ में अंदर कोई भी दो बिंदु मेरे पास है, ये ए हो गया और बी हो गया, अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, इसके हमें निर्देशांक पता है, मान लिया इसका एक्स वन है, इसका वाई वन है, इसका एक्स टू है और ये वाई टू, ये ग्राफ में कहीं पर भी स्थित है, एक्स एंड वाई, तो इन दो बिंदुओं के बीच की मुझे दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ध्यान रखना, दूरी सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र क्या है, तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान रखना, मैं इसको सही तरीके से आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला जो हमारा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये जो दूरी जो होगी, ये दूरी क्या होगी वो मैं बताता हूँ, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो अनरूट, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, अनरूट
क्या है फार्मूला, ध्यान रखना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी था, उसका फार्मूला क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की क्या है, दूरी है। दो बिंदुओं के बीच की क्या है, दूरी। तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने तो उसका फॉर्मूला क्या, एंड रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मूला आया है समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय से आया है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला ये कहाँ से आया है, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आया है, पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है, ध्यान रखना। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दूरी बराबर क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। जब हम पहली प्रश्नावली 9.1 करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास सबसे पहले यूज होगा, फिर आगे जो भी फार्मूला होगा मैं लिखाता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक फार्मूला अभी याद रखना। तो दूरी का सूत्र क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के इस फार्मूले को लगाता हूँ, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास दो बिंदु हैं, कौन से दो बिंदु, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच की मुझे दूरी ज्ञात करनी है। मैं इसका मान है 2 और 3 और इसका मान है 4 और 5। इसका मान कितना है, 2 और 3 इसके निर्देशांक, और इसके निर्देशांक क्या है, 4 और 5। तो बताओ, ये तो x1 और ये y1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 और ये y2 हो गया। आई बात सुन में, दो बिंदुओं के ये क्वेश्चन हमने दे लिया कि ये हमारे पास क्वेश्चन से एक मान लिया और ए और बी है, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। इसके निर्देशांक 2 और 3 है, इसके 4 और 5 है, इसका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो हम सीधे फार्मूले में रखेंगे मान। तो बताओ फार्मूला हमारे पास क्या, इन ए बी के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ये हमारे पास फार्मूला अनरूट लिख दिया हमने, बताओ क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 कितना है आपके पास, 4 है, ये 4। माइनस x1 कितना है आपके पास, 2 है, ये 2। तो बताओ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। प्लस बताओ y2 कितना है आपके पास, y2 5 है, ये 5। बताओ y1 कितना है आपके पास, 3 है, ये 3 का होल स्क्वायर। बताओ आगे मैं सॉल्व करूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये 2 का स्क्वायर। 5 में से 3 गया तो 2, ये 2 का स्क्वायर। तो बताओ आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, बताओ मुझे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है सर, प्लस इस 2 का भी वही होगा सर, 4 होगा। दोनों 4 और 4 मिलके बताओ कितने हो गए, 8 हो गए ना, ये 8 हो गए। बताओ 8 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता सर, लेकिन 8 का गुणनखंड तो हम कर ही सकते हैं ना, तो 8 का गुणनखंड कराओ तो बताओ क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2। बताओ गुणनखंड ये कर दिया मैंने अंदर ही, तो बताओ वर्गमूल में क्या करते हैं हम, 2 का जोड़ा बनाते हैं ना, 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो बताओ क्या होगा, ये जोड़ा बन गया एक, तो ये तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बताओ 2 में से ये 12 आ गया, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो ये अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 मात्रक। अभी इसके कोई मान नहीं है तो मात्रक लग गया, पीछे मात्रक के, अगर हम इसके कोई मान नहीं है ना, इसकी कोई सेंटीमीटर मीटर में नहीं है तो पीछे मात्रक लगा देंगे। तो अंडूर 8 जब भी आता है तो याद रखना है इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 2√2, इसका आंसर क्या होता है, 2√2। तो और किसी का मैं वर्गमूल ज्ञात करना, उसके गुणनखंड कर दो, जोड़े बनते हैं तो जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लो और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर रख दो, और किसी का नहीं बढ़े तो वही उसका आंसर हो गया। तो देखो ये होगी इसकी दूरी, आई बात समय। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2√2 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं फिर हम प्रश्नावली के अंदर बात करेंगे। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्वेश्चन नंबर और ले लेता हूँ मैं एक, ए और बी, पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करो। पी व क्यू के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। पी के निर्देशांक -1 और -3 है, और इसका निर्देशांक -4 और -5 है। प्लस का 5 मान लेता हूँ या -5 मान लेता हूँ। देखो बताओ ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2। आई बात समझ में? चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो बताओ पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी, ये पी और क्यू, ये दूरी होगी। दूरी सूत्र हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बताओ एक्स टू कितना है, एक्स टू सर माइनस के चार है, तो ये माइनस के चार हो गए। अब ध्यान रखना आगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक्स वन इसके बाद क्या है, एक्स वन बताओ, एक्स वन की वैल्यू क्या है माइनस वन, ध्यान रखना एक्स वन की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस वन है एक्स वन की वैल्यू और माइनस आके फॉर्मूले भी है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस। हमेशा ध्यान रखना कि ये सेकंड वाले मान अगर माइनस में है तो आपको इसके बीच में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। क्यों, एक्स वन ये माइनस का है और ये भी एक्स वन यहाँ सॉरी ये एक्स वन इसके आगे क्या है माइनस फॉर्मूले का, और एक्स वन क्या है माइनस में, तो इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस जब दोनों आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का वन और इसका होल स्क्वायर। प्लस y2 की वैल्यू बताओ, y2 की वैल्यू माइनस पाँच है, अब मुझे ये बताओ क्या y1 माइनस में है, हाँ बिल्कुल y1 माइनस में है, माइनस में है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस तीन का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आ गई, देखो जब भी ये वाला मान और ये वाला मान अगर हमारे पास माइनस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बताओ पी क्यू बराबर अपने पास मान क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर अपने पास क्या माइनस प्लस माइनस, माइनस चार में से गया तो माइनस का तीन, ये माइनस के तीन का होल स्क्वायर। बताओ माइनस पाँच और माइनस प्लस के तीन है तो माइनस के दो रहेंगे, माइनस के दो का होल स्क्वायर। बताओ आगे मैं सॉल्व करूँगा तो आगे मैं सॉल्व करूँगा, बताओ क्या होगा, तीन का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस का नहीं होगा, माइनस तीन का माइनस तीन से गुणा करूँगा, जब माइनस तीन का मैं माइनस तीन से गुणा करूँगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तीन का तीन से गुणा कितना हो जाएगा नौ, माइनस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ चार हो जाएगा, अब नौ और चार कितने हुए तेरह, अब तेरह का कोई वर्गमूल नहीं होता तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो अनरूट तेरह इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, तीन का स्क्वायर नौ हो गया और माइनस दो का स्क्वायर चार हो गया, नौ और चार कितने हो गए तेरह और आंसर तेरह हो गया, तेरह का कोई वर्गमूल नहीं होता है, अनरूट तेरह एक अपरिमेय संख्या है। तो अनरूट इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हमने बात की बेसिक चीज़ों की बात की, पहला फार्मूला हमने इसके अंदर पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हम लगाएंगे पहला फार्मूला। तो आपको जो मैंने आज पढ़ाया है उसके अंदर आपको क्या करनी है, एक तो उन सारे जो मैंने पढ़ाया उन सब के बारे में अच्छी तरीके से समझना है आपको, और फिर उसके बाद इस पहले फार्मूले पे 9.1 में जो भी सवाल है पहला छोड़ के या दूसरा तीसरा सवाल होगा वो इस पे अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें वो आप खुद कर सकते हो, कल हम इसकी 9.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हमें पढ़नी थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, धन्यवाद।